बोलिए बोलिए। देखिए आप लोग आए सर, वाराणसी काशी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जो इस प्लेस को सारनाथ के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सारनाथ जो देखेंगे भगवान बुद्ध के बारे में देखना है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला प्रथम उपदेश दिए थे अपने 5 लोगों को, और यहीं से 5 लोग पूरे देश विदेशों में धर्म प्रचार करने के लिए निकले। ये बौद्ध धर्म का एक तीसरा स्थान है, इनकी तो मूर्तियाँ पूरे देश विदेशों में, लेकिन इनके 4 मुख्य स्थान है। पहला आपका लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ। दूसरा आपका बोधगया बिहार, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा ही सारनाथ है, यहाँ प्रथम उपदेश दिए। और चौथा आपका कुशीनगर पड़ता है, जहाँ पे इन्होंने शरीर को अपना त्याग किए थे, महापरिनिर्वाण हुआ था। ये 4 मुख्य स्थान है। अभी सामने जो टेम्पल देख रहे हैं बुद्ध का, यहाँ का मेन टेम्पल है। एक्चुअली इससे पहले जो मंदिर बनवाया गया था औरंगजेब ने तोड़वा दिया, उसी का नक्शा लेकर ये दोबारा बनाया। तो वो मंदिर भी यही था? नहीं, वो दूसरी जगह पे। वो दूसरी जगह, ये 1931 में बनवाया गया। अच्छा, ये यहाँ के राजाओं ने बनवाया होगा? श्रीलंका के राजा ने। इस मंदिर का नाम आज भी उसी पुराने ही मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मूल गंध कुटी बिहार। मूल गंध कुटी बिहार। अच्छा, मूल गंध कुटी बिहार। व्यास व्यास समझे ना, मूल का अर्थ होता मुख्य, मेन। गंध बोले तो खुशबू, बिहार का मतलब था जगह स्थान। इसे इस मंदिर को मूल गंध कुटी बिहार के नाम से जाना। अंदर में जाएंगे भगवान बुद्ध की जो स्टेचू प्रतिमा देखेंगे, पत्थर की है, उसकी पूरी सोने की कलर की गई है। अच्छा। और दीवारों में देखेंगे भगवान बुद्ध की पूरी जीवन की पेंटिंग दर्शाई गई है। अच्छा। जो जापान के कलाकारों ने वो पेंटिंग बनाया है। 1931 में मंदिर बना और 1932 में पेंटिंग स्टार्ट किया। और ये देखिए स्तूप, ये स्तूप है अशोक स्तंभ। अशोक स्तूप बोलते हैं बौद्ध स्तूप जी। ये राजा सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसके अंदर कोई दरवाजा एंट्री गेट डोर नहीं है। ये इसी आकार में बनाया गया, पूरा ये शिवलिंग आकार बोलते हैं, और वही पूरा भरा हुआ है ठोस चारों तरफ से पैक। ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का है। अच्छा, इसकी लंबाई 103 फीट 93 फीट डायमीटर है। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय होते हैं, जैसे आप लोग सुनोगे मुस्लिम होते सिया सुनोगे, जैन में होते सितम्बर दिगंबर, ऐसे बौद्धिज्म होते हीनयान महायान। महायान वाली मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान वाली इसका परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा। कैंडल मोमबत्ती डालते, तो जिनकी इच्छा होती लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में इनकी काउंटर। तो कोरोना काल से काउंटर से टिकट बंद कर दिया, अब ऑनलाइन कर दिया, मोबाइल के द्वारा काउंटर के पास स्कैन बनाया गया, वहाँ से स्कैन करके परिक्रमा करने के लिए अंदर जाए। जैसे आप लोग की जानी होगी तो आपका ऑटो रिक्शा जो है ना, वो आपको गेट के पास तक लेके चला जाएगा, वहाँ से अपना फोटो वोटो भी ले सकते हैं अपना। ठीक ठीक। और ये पूरा गार्डन पार्क है 48 एकड़ में। अच्छा। यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है। पीछे पूरा रेशम की खेती आज भी होती है यहाँ पे। अच्छा। आप लोग जो बनारस की साड़ियाँ का नाम सुने होंगे, यही गाँव से बनती है। आज यहाँ का देख रेखा गवर्नमेंट के अंदर नहीं, ट्रस्ट के अंदर है। आप लोग दलाई लामा का नाम सुने होंगे, विश्व सुंदरी अंतर दलाई लामा इंदिरा गांधी के हाथ पर पूरे गांव वालों को 2,000 रुपये के खैन मशीन दान करवाया था। उसी समय से आज भी गाँव वाले घर घर लोग बुनाई का काम करते। तो पहले ये लोग बना के दुकानदारों को देते थे, तो दुकानदार अपना एक्स्ट्रा चार्ज अलग, टैक्स GST अलग लगा कर बेचते थे। लेकिन जब से मोदी जी PM हुए, उन्होंने वो कर दिया बना साड़ी को ना टैग डायरेक्ट यहाँ पे सेल करने का, उनको अलाउ कर दिया। जो गुरमीन का बाजार में टैग GST एक्स्ट्रा चार्ज ये सब लगा कर बेचते थे, तो ये सब यहाँ पे नहीं, टैग गाँव वाले बनाते, टैग अपना सेल करते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारनाथ में 5 लोगों को अपना उपदेश दिए, मुद्रा में कैसे दिए थे उनकी पत्नी। और ये पीपल का पेड़ है जो गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए थे, उसी पेड़ का कलम ला कर लगाया गया। ग्राउंड करके देख के फोटो लेकर आए।
अच्छा हमारे साथ घूमने घूमना कम है क्या, फोटो ले सकते हैं ना? जो पांच उनके जो शिष्य थे उन्होंने इस तरह से उनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। हम बाजार